अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं इकरा सैदा। मैं हूं उस्मान अमान। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। सदर जरदारी के खिलाफ मुकदमात न खोले जाएं, उन्हें इस्तिस्ना हासिल है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से सुकाम को खुफिया खत लिखे जाने का इंकशाफ, रिकॉर्ड भी गायब कर दिया गया। दुनिया न्यूज ने खत की कॉपी हासिल कर ली। वफाकी हुकूमत ने स्विस हुकूमत से मुकदमा दोबारा खोलने के लिए अपील भी कर दी। वजारत कानून से रिकॉर्ड गायब होने की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। वजीर आजम ने आर्टिकल 6 के तहत परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे की कार्रवाई शुरू करने की हिदायत कर दी। FIA की खसूसी कमेटी शवाहिद इकट्ठे करेगी। एक ही दिन में 3 शहर दहशतगर्दी का निशाना। कराची में जस्टिस मकबूल बाकर के काफले पर बम हमला, 9 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। जस्टिस मकबूल बाकर की हालत खतरे से बाहर। पेशावर में SHO बनू में अमन कमेटी के सरबरा समेत 3 अफराद जाँ बहक। गैर मुल्की सयाहों के 15 कातिलों की निशानदही हो गई। गिरफ्तारी के लिए फौज का ऑपरेशन। कोह पैमाओं की लाशें कल उनके ममालिक रवाना की जाएंगी। खुसूसी नुमाइंदे हमरा होंगे। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा का टाइटैनिक है, बचाने के लिए इकदाम ना किए गए तो ये डूब जाएगा। अहले पंजाब के लिए खुशखबरी, रमजान पैकेज के तहत 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए सस्ता। गोश्त, घी और चीनी की कीमत भी कम होगी। सोना सस्ता, खवातीन खुश, ये सिलसिला भी रुका नहीं। कीमत 47,500 रुपए तीतोला हो गई। क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ का कहना है उन्हें लाहौर एयरपोर्ट के करीब लूट लिया गया, पुलिस मानने को तैयार नहीं, वाकया ड्रामेबाजी करार दे दिया। फिल्म रेम्बो राजकुमार की आइटम सॉन्ग में धूम मचाने को तैयार। अस्सलाम वालेकुम, खबर की दुनिया के साथ मैं हूं तारिक मतीन। दुनिया हेडलाइंस आपने देखी और खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद।